तो अभी मैं गोरेगांव में शॉप विजिट कर रहा था, तो मैं कानू कंपाउंड के पास खड़ा हूँ। ये नीचे कमर्शियल और ऊपर रेजिडेंशियल शॉप है ये आसपास। यहाँ से हम राइट मारेंगे, फिर लेफ्ट मारेंगे तो सीधे वो रोड पे पहुँच जाएंगे, मेन रोड पे। वहाँ पे मतलब यहाँ से 250 मीटर पे अपना मेन रोड है गोरेगांव अपना। तो वैन अपना रोड से लेके यहाँ तक आ जाएगा, और ये अपना शॉप है। ये ऊपर वाला नहीं है, ये ऊपर जाता है, अपने को नीचे वाला ये शॉप पूरा मिला हुआ है यहाँ से आता। तो वैन तो यहाँ पे आ जाएगा और फिर आगे से टर्न होके फिर यहाँ से चला भी जाएगा। पार्किंग के लिए यहाँ पे एक दिक्कत है, क्योंकि इतना ही बड़ा 12-13-15 फीट का इसका चौड़ा रोड है, तो पार्किंग का यहाँ पे एक दिक्कत होगा कि बाइक या तो ऐसी पार्किंग रहेगी या तो कहीं और पार्किंग करना पड़ेगा। और ये अंदर अपना शॉप है, तो आप पीछे साइड एग्जॉस्ट नहीं निकाल सकते, हम फ्रंट में ही एग्जॉस्ट निकालेंगे। 3 फेस लाइट मिल रहा है और 500 लीटर का टंकी है अंदर। तो अंदर ये प्लाईवुड शॉप है। तो अगर वृत्त का बात करेंगे तो इस कॉर्नर से लेके और इस कॉर्नर तक तो अपना 17.7 है, और अगर लेंथ का बात करेंगे तो वहाँ कॉर्नर से लेके और डेड एंड तक अपना 47.7 है। तो टोटल 853 स्क्वायर फीट इसका एरिया है। हाइट का अगर बात करेंगे ग्राउंड से लेके पूरा वहाँ लॉफ्ट तक तो अपना 10 फीट है, 10.5 फीट है। ये एक वॉशरूम है और ऊपर टंकी लगा हुआ है, 425 लीटर का लिखा हुआ है। एक दो तीन चार, इसमें सिर्फ 4 एंगल लगे हुए हैं, 1 2 3 4। ये अपना फ्रंट रहेगा, कोटा है। लाइट अपने को 3 फेस मिल रहा है, ड्रेनेज सामने है, ये ड्रेनेज है। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज का दिक्कत है बाइक पार्किंग के लिए, क्यों यहाँ पे बाइक पार्किंग ऐसे ही अगर अपन रखते हैं 2-3-4 बाइक तो रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी गाड़ी निकलनी रहेगी तो थोड़ा यहाँ दिक्कत होगी। लेकिन अंदर तक मैंने पूछा है, वहां तक कोई बड़ी गाड़ी नहीं आती है, अपना गाड़ी वहां से टर्न फिर होके चली जाती है। ये अंदर का शॉप है, ये ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से अपने को पार्टीशन करके ये मिल जाएगा और ये ऊपर के लिए जाएगा। और 60,000 रुपए रेंट बोले हैं, नेगोशिएबल। तो ये ऑलरेडी कोटा ही है नीचे का,